बढ़ गया है और मैं गदगद हूँ सर। ये जो संसदीय क्षेत्र है काराकाट, आपके सामने कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनसे आप कैसे लड़ पाए चुनावी? अरे हम यहाँ लड़ाई करने की आई, हम यहाँ जनता के आशीर्वाद पावे आई बानी। और मैं एक लाइन में कलाकार हूं ना, तो एक लाइन में एक बात कहब, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कुछ भी है। देखिए, हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, मैं उनके साथ भी सभा किया हूं एक समय में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल क्या था आज क्या है। तो मीडिया से ही अगर कोई भाई अगर सवाल करता कि क्या है कैसे है, तो जवाब सुन रहा हूं कि मोदी जी मोदी जी। 100 बात की एक बात एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हमारे घर के बगल में, चाहे हमारे गांव में, चाहे हमारे जवार में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, हमारे चाचा जी के बोलते हैं उनको क्या परेशानी है, उसको हम ना जानेंगे, आप ना जानेंगे। तो हर बतिया दिलिए ना ना पहुंच जाए, हम लोकल बनी, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हों, उसके दुख में शामिल हों, तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये आप एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की कोई जाति नहीं होती, ये तो तय है, लेकिन जो आजकल का चुनाव है और चुनाव ये जाति आधारित भी हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? पवन पवन तो पवन है, ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, और किसी भी स्टार को, किसी भी नामी कलाकार को कोई एक नहीं बनाता है। पवन सिंह है या एक्स वाई जेड, कोई भी हमारा भाई जो है, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे छोटा है, जो हमारे बराबरी का है, मेहनत करता है। जब गाना रिलीज होता है, फिल्म जब रिलीज होती है, तो सबका आशीर्वाद मिलता है, सब लोग सिनेमा हॉल में जाता है देखने के लिए, न कि कोई एक जाता है। तो एक कलाकार के लिए जाति मायने रखता ही नहीं है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। अच्छा, बीच में खेसारी जी का भी आया था कि अगर पवन जी बुलाएंगे तो मैं जरूर उनके चुनाव प्रचार में जाऊंगा, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा।